नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज चौहान है, आप निकडा स्टूडियो चैनल पे हैं और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो है अबाउट टू कि मैं कैसे लाइट पेंटिंग कर सकता हूँ अपने फोन की मदद से, ठीक है, और अपने कैमरे की मदद से। तो आज वो हम सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे लाइट पेंटिंग की जाती है, कैसे फ़ोटोज़ को और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। मैं आज इसमें कुछ प्रॉप्स यूज़ करने वाला हूँ और कुछ लाइटिंग एलिमेंट्स यूज़ करने वाला हूँ, जिसकी मदद से मैं फ़ोटोज़ को और सुंदर बनाऊँगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप इससे भी लाइट पेंटिंग कर सकते हैं, और अगर आपके पास कैमरा है तो आप उससे भी कर सकते हैं। दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा बस आपको, एक स्टडी आपको स्टैंड चाहिए, ठीक है, कैमरा स्टैंड, और होप सो कि आपके पास मोबाइल स्टैंड भी हो अगर मोबाइल से अगर आप कर रहे हो। दूसरा, आपको कुछ लाइट्स चाहिए, LED लाइट्स हो गया या फिर अदर तरीके के कोई भी लाइट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, टॉर्च है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इन चीज़ों की के यूज़ से आज हम कैसे फ़ोटोज़ खींचते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आज लाइट पेंटिंग करने वाला हूँ। लाइट पेंटिंग के लिए मैं अपना 750 निकॉन का यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा, मैं कैमरा स्टैंड यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरी फ़ोटोज़ हिले नहीं, मेरा सब्जेक्ट हिले नहीं, बेसिकली मेरा यही प्रपर्सन है। क्योंकि जब आप फ़ोटो लाइट पेंटिंग के लिए कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ वैसी हो जाती हैं। मैं इनको आज एज अ सब्जेक्ट यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। ये शिव जी की एक मूर्ति है जो कि मेरे बहुत अजीज़ किसी ने दी है, तो मैं ये अभी प्लेस करूँगा और लाइट पेंटिंग इनके पीछे से करी जाएगी, देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। चलिए पहले मैं पूरा सेटअप रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा, मैंने अपने सब्जेक्ट को यहाँ रखा है, यहाँ प्लेस किया है, और ये मेरा कैमरा है, ठीक है। अभी मैं इन दोनों चीज़ों की मदद लूँगा। अभी ये आपको कोई भी 50-60 रुपए के बलून में मिल जाएगा जो कि लाइट करता है। शायद मैं इसकी बैटरी लगाना भूल गया हूँ, तो मैं बैटरी लेके आता हूँ, ठीक है। बाकी ये है हमारा, तो अगर आपको दिख रहा होगा तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट अभी क्लियर नहीं है तो मैं अभी जूम करके उनको फोकस में ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि जब ये फ़ोटो खींचे तब किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमारा सब्जेक्ट तो हो गया, ठीक है। दूसरी, मैं सेटिंग क्या रखने वाला हूँ। सेटिंग जैसे अभी आपको शटर स्पीड दिख रहा होगा, मैं इसको कम करके रखूँगा 5 सेकेंड्स, ठीक है। अपर्चर नहीं, मैं 4 रखता हूँ, और अपर्चर को मैं बढ़ा देता हूँ, मैं अपर्चर रखूँगा 16, ठीक है। ISO मेरा 100 है, ठीक है। तो ये जब फ़ोटोज़ आएगी तो बहुत ही क्वालिटी वाइज आएगी, ठीक है। उसके लिए हमको ये लाइट भी ऑफ़ करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो मैं ऑफ़ कर लूँगा और देखते हैं कैसी फ़ोटो आती है। और अब भी देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ। शायद इस चीज़ को भी यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दो, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा है, अभी मैं क्या करूँगा, अपना टॉर्च लूँगा, ठीक है। ये टॉर्च है मेरा, ये टॉर्च है मेरा, तो इसके लूँगा और जैसे ये मैं ऐसे ऐसे पेंट करूँगा, पहले मैं इनको पेंट करूँगा, फिर उसके बाद मैं इनके बैक में जाके इससे कुछ कुछ बनाऊँगा ताकि एक अच्छा सा आर्टिफैक्ट बने। तो अभी मैं अपना लाइट बंद कर रहा हूँ, तो ये हमने लाइट ऑफ कर दी है, ठीक है, फ़ोटोज़ में दबा दिया मैंने। मैं पहले यहाँ जा रहा हूँ, तो अभी जैसा दिख रहा होगा आपको फ़ोटो कितनी अच्छी आई है, लेकिन अभी भी हमने लाइट पेंटिंग के नाम पे कुछ नहीं किया है, और हमें ज़रूरत है कि हम और भी अपने सेकेंड्स को थोड़ा मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 3 कर रहा हूँ,
और ISO आई गेस मैं और कम कर सकता हूँ अपने कैमरे में, लो 7 पे रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेटअप, अब देखते हैं। तो ये हमारी फ़ोटो आई है, अभी भी उतनी अच्छी नहीं आई है जितनी मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो हम और भी ट्राई करते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्लॉक नौटंकी कर रहा है थोड़ा कैमरे के। अभी जैसा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये फ़ोटो हमने अभी जस्ट ली है, और मैं अभी इस पर और काम करना चाह रहा हूँ ताकि ये फ़ोटो और खूबसूरत है। उसके लिए मैं अपना मोबाइल यूज़ करूँगा अभी, कि मैं मोबाइल से पीछे में कुछ कुछ बना दूँ और ये दिखने में और खूबसूरत हो जाए, ठीक है। मैं अभी टॉर्च नहीं यूज़ करूँगा, और देखते हैं क्या आता है फ़ोटो, ठीक है। ये हमारा मोबाइल का मैंने फ्लैश ऑन कर लिया है, ठीक है, ये मोबाइल का फ्लैश मैंने ऑन कर लिया है। तो इससे हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी मेरा सेटिंग हो रहा है, क्या है मेरा सेटिंग दिखाना, मेरा सेटिंग है 3 सेकंड के लिए मेरा कैमरा पर फ्लैप ऑन रहेगा। तो मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, कितनी क्रिएटिविटी निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। एक बार के लिए हम कैमरे को अच्छे से प्लेस कर लेंगे, बाकी सब सही है, ठीक है। तो पर मैं देख लूँ ज़रा, फोकस्ड में भी हैं, ये रहे फोकस्ड में हमारे शंकर जी। तो चलिए मैं 1, 2, 3 करता हूँ और फोटोज़ क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बैकग्राउंड कितना प्यारा लगा अभी मुझे, ठीक है। इसके लिए एक और आदमी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जो कि हमारे पास अभी है नहीं। तो ये फ़ोटो अगर आपको खींचनी है, ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी मैं अकेला हूँ इसलिए मैं टाइमिंग को और इंक्रीज़ करूँगा, मैं 5-6 की जगह 10 रखूँगा, और मैं अपनी मैक्सिमम सेटिंग पे हूँ, ठीक है। बाकी देखते हैं, मैं यहाँ से अपने मोबाइल का टॉर्च भी ऑन कर ले रहा हूँ, और ये हम चले। तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये प्रॉपर्ली तो अच्छे तरीके से हुआ नहीं है, प्रॉपरली मैं गोल कर नहीं पाया, लेकिन जितना भी हुआ है अच्छा हुआ है, एक अच्छा इफ़ेक्ट मिला है। तो अगर आप भी ऐसी फ़ोटोज़ खींचना चाहते हैं तो कृपया कर एक आदमी तो अपने साथ रखो, ठीक है। बाकी हम और भी ट्राई करते, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। मैं अभी और भी कुछ कुछ चीज़ों को ट्राई करूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये मैं दूसरी फ़ोटो खींचने जा रहा हूँ, और 3, 2, 1 पे, 3, 2, 1। तो ये फ़ोटो एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकती है कि आप लाइट पेंटिंग को कैसे यूज़ करें, कितना प्यारा आपका फ़ोटो ये कर सकता है, ठीक है। तो अच्छा है, ये फ़ोटो मुझे पसंद है, और अभी हम कुछ और भी ट्राई करेंगे, देखते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3 के बाद मैं फिर से वही अपना मोबाइल का फ्लैश, अभी मैं सिर्फ अपने मोबाइल का फ्लैश यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ चीज़ टूट गया जिसकी वजह से। चलिए कोई खैर कोई नहीं, मैं अभी दूसरी फ़ोटो खींच रहा हूँ।
तो ये एक फ़ोटो है, ठीक है, जो कि लग रहा है ऊपर से रिंग बनाने की कोशिश तो मैंने की है लेकिन अच्छे तरीके से बन नहीं पाई है। खैर कोई नहीं, हम दूसरा रिंग बनाएंगे अभी, ठीक है। अभी हम रिंग बनाएंगे कि चारों तरफ से शंकर जी के घूमते हुए वो रिंग ऊपर जाएगा, ठीक है। तो चलिए 3, 2, 1 पे हम स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 तो कैसी लग रही है आपको ये फोटो, ठीक है, अच्छी लग रही है? तो ऐसे की जाती है लाइट पेंटिंग, ठीक है, ये होती है लाइट पेंटिंग। मैं एक और प्रॉप लाया हूँ तो मैं उस पर भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं अभी उस पर भी ट्राई करूँगा। हम अभी प्रॉप को रिप्लेस करेंगे, मैं अभी शिव जी को हटाऊँगा। यहाँ पे बुद्ध भगवान है मेरे पास तो मैं उनको लेके आया हूँ। पहले मैं उनको, ये भी मेरे उसी अजीज ने दिया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये आर्टिफैक्ट है, बुद्ध भगवान की है, ठीक है। तो अभी फिर से हम वही करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप भी देखें कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपनी सेटिंग चेक करेंगे एक बार, और सेटिंग पे 10 सेकंड का टाइमिंग है और आपको सब कुछ दिख रहा है अच्छे तरीके से। तो अभी हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। सेटिंग आप देख सकते हो और यहाँ पे हमारा बुद्ध भगवान देख सकते हो। तो हम वही सर्कल राउंड चेक करेंगे, ठीक है, सर्कल राउंड वाला चीज़ अपनाएंगे। तो 3, 2, 1 पे हम करेंगे। 3, 2, 1 पहले ये, फिर और ये आई हमारी फोटो, ये फोटो बहुत ही खूबसूरत लग रही है मुझे तो, ठीक है, बहुत खूबसूरत फोटो लग रही है। और मैं एक और करूँगा ताकि आपको भी और भी अच्छे तरीके से दिखे, ठीक है। मैं सिर्फ अपने मोबाइल के लाइट से ही बना रहा हूँ ये फ़ोटो। तो चलिए 3, 2, 1 पे फिर से। 3, 2, 1 ये लगाया हमने, और ये फ़ोटो हमारी खिंच गई। देखा, ये फ़ोटो भी बहुत प्यारी आई है यार, जस्ट लुक एट दैट। मतलब मुझे बहुत प्यारी लग रही है। शायद मैं एक दो फ़ोटो इसमें से पोस्ट प्रोसेस करके मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूं, तो देखते हैं। अभी मैं इनके पीछे से ना कुछ अच्छा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या बना सकता हूँ। चलिए ठीक है, 3, 2, 1 पे फिर से हम एक और फ़ोटो लेंगे। लास्ट फ़ोटो है हमारी, अच्छी आई तो ठीक, नहीं आई तो ठीक, सीखने के लिए मिला तो ठीक, और लाइक शेयर सब्सक्राइब किया तो ठीक। तो भाई साहब बहुत ही प्यारी फोटो आई है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।